हेलो फ्रेंड्स, मीतूस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो मैं स्पेशली अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ। आपने मेरी चॉकलेट रेसिपीज को बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डार्क कंपाउंड चॉकलेट और मिल्क कंपाउंड चॉकलेट पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। आप बताएं, क्या हम हर्षे सिरप के साथ इस चॉकलेट को बना सकते हैं? उन सभी कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज की ये रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको चॉकलेट बनाना बता रही हूँ। उम्मीद है आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से आज की ये चॉकलेट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन रख लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी। कोई भी कटोरी आप सेट कर लीजिए, इसी से आप सभी चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हो। अब हम पानी में 1/2 कप चीनी डालेंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक चलाएंगे। देखिए, चीनी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपके पास ना हो तो आप इसमें अरारोट डाल सकते हो। आप इसके अंदर चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो। तो आपके पास इसमें से जो भी चीज़ घर में अवेलेबल हो वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा और लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से हमारी चॉकलेट में बाइंडिंग आ जाएगी और हमारा चॉकलेट बहुत अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। लेकिन आपको इसे अच्छे से पका लेना है, इसका कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो लो फ्लेम पर आपको इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है। ये देखिए किस तरीके से हमारी चाशनी अच्छी गाढ़ी हो गई है और कलर देखिए कैसा वाइट हो गया है। बिल्कुल चाशनी के ऊपर ऐसे झाग झाग आने लगे हैं, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है चाशनी अब। तो जब इस तरीके से हमारी चाशनी अच्छी गाढ़ी हो जाए और इस पर अच्छे झाग आने लग जाएं, तब आपको इसमें डाल देना है बटर। और बटर को हम अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे दोस्तों। बटर अच्छे से हमारा मेल्ट हो गया है और देखिए किस तरीके के झाग हमारे बनने लगे हैं, चाशनी अच्छी गाढ़ी हो गई है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे चॉकलेट सिरप। ये मैंने 1/2 कप चॉकलेट सिरप इसमें लिया है, यानी 1/2 कप चीनी के अंदर 1/2 कप ही आपको चॉकलेट सिरप डालना है। इस मेथड से मैं आपको यहाँ पर डार्क कंपाउंड बनाना बता रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि क्या हम डार्क कंपाउंड चॉकलेट सिरप से बना सकते हैं, तो उसी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। और कमेंट में इतना लंबा प्रोसेस रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप सभी के लिए ये रेसिपी मैंने बनाई है। बस हमें चॉकलेट सिरप को इसमें डालकर अच्छे से चला लेना है। अब हमें इसे अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाना है और देखिए थोड़ा सा चॉकलेट हमारा जमने वाली कंसिस्टेंसी में आना चाहिए। तो हम सिरप से बना रहे हैं और सिरप थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद और थोड़ा पतला हो जाता है, तो हमें इसे पकाना होगा अच्छे से। लेकिन लो फ्लेम पे पकाइएगा, हाई फ्लेम पे चॉकलेट कड़वी हो सकती है, इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो लो फ्लेम पर ही आप इसे लगातार चलाते हुए पका लीजिएगा। लगभग 2 से 3 मिनट चॉकलेट को मैंने अच्छे से पकाया और अब ये देखिए चॉकलेट कितना बढ़िया गाढ़ा हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, जो इसकी क्वांटिटी थी वो भी आधी हो गई है, यानी जितना सिरप हमने डाला था अब ये क्वांटिटी में सिर्फ आधा ही रह गया है। तो बिल्कुल इतना ही गाढ़ा हमें इसे बना लेना है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बटर। और बटर डालने से क्या होगा, हमारी चॉकलेट में बढ़िया शाइनिंग आएगी, हमारी चॉकलेट का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, चॉकलेट को जमाने के लिए हमें इसमें बटर डालना होगा। बटर नहीं है तो आप यहाँ वनस्पति घी का यूज़ कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे मेरे पास ये भी कमेंट थे कि हम बटर की जगह क्या यूज़ करें, तो आप वनस्पति घी यूज़ कर सकते हो, जिसे डालडा कहते हैं। उससे आपकी चॉकलेट बिल्कुल बढ़िया सेट होती है। आपके पास कोकोनट ऑयल, जो कि खाने वाला कोकोनट ऑयल होता है, वो है तो वो यूज़ कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का यूज़ आप बटर की जगह कर सकते हो। तो चलिए, बटर डालने के बाद गैस को बंद कर देते हैं। अच्छे से हमें चॉकलेट को लगभग 1 मिनट तक चलाना है। इससे क्या होगा, बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और चॉकलेट में बहुत ही बढ़िया शाइनिंग आएगी। तो आपकी शाइनिंग वाली चॉकलेट इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी।
फ्रेंड्स, अगर आप चॉकलेट गनाश बनाना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। बस आपको इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसे थोड़ी कम गाढ़े पे ही आपको गैस बंद कर देनी है, तो आपका चॉकलेट गनाश भी तैयार हो जाएगा, जिसका यूज़ आप केक की आइसिंग के लिए कर सकते हो। तो ये देखिए, बटर अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद कितना बढ़िया शाइनी हमारा चॉकलेट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए फटाफट हम इसे मोल्ड में जमा लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम अपना चॉकलेट का मिक्स लेंगे और इसे हम कैविटीज़ में फिल कर लेते हैं। तो चॉकलेट को जमाने के लिए यहाँ मैंने सिलिकॉन मोल्ड का यूज़ किया है। आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप प्लास्टिक मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बिस्किट के रैपर का इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई भी आपके पास प्लास्टिक के ढक्कन है उसका यूज़ कर सकते हो, आइस का ट्रे जो आता है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंपल बटर पेपर के ऊपर भी आप ये चॉकलेट को फैलाकर इसे बार के रूप में जमा सकते हो। तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे या फिर आपके पास जो भी इसमें से अवेलेबल हो, आप अपनी चॉकलेट को उस तरीके से जमा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैविटीज़ में इसे फिल कर लिया है और ये देखिए जमना शुरू भी हो गया है। इससे बहुत ही बढ़िया जमने वाला चॉकलेट बनता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसे एक बार हल्का सा टैप कर लेते हैं, बिल्कुल बढ़िया से हमारा ये चॉकलेट सेट हो जाता है। 10 से 15 मिनट आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए और चॉकलेट बहुत आसानी से सेट हो जाएगा। अब ये देखिए पैन के अंदर थोड़ा सा मेरा चॉकलेट जम भी गया है, आप देख सकते हो किस तरीके से चॉकलेट जमने लगा है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं जो बचा हुआ चॉकलेट है इसे आपको चॉकलेट के लड्डू बना कर दिखा देती हूँ, यानी चॉकलेट के छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। और ये इस तरीके से आप अपने चॉकलेट बॉल्स बना सकते हो। अगर आपके पास कोई भी मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीके से चॉकलेट बॉल्स भी बना सकते हो। तो ये देखिए हमारे चॉकलेट बॉल्स भी बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए हम इसे फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। अब 15 मिनट बाद मैंने फ्रीज़र में से चॉकलेट को निकाल लिया और ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे चॉकलेट जम गए हैं। सिलिकॉन मोल्ड में से मैं इन्हें निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। वाओ, बहुत ही बढ़िया से हमारा चॉकलेट जमा है। अगर आपने अभी तक मेरी चॉकलेट रेसिपीज़ नहीं देखी हैं तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दिए हैं, आप वहां से ही चॉकलेट रेसिपीज़ देख सकते हो। और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मैंने कुछ चॉकलेट रेसिपीज़ दिए हैं, तो वो रेसिपीज़ आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। ये देख सकते हो मैंने सारे चॉकलेट्स मोल्ड में से बाहर निकाल लिए और कितनी बढ़िया हमारे चॉकलेट बनकर तैयार हुए हैं। इस तरीके से आप अपने घर पर सिरप के साथ बहुत आसानी से चॉकलेट बना सकते हो। जिन लोगों को कोको पाउडर अवेलेबल नहीं है या फिर जिनके पास चॉकलेट सिरप है और वो चॉकलेट सिरप के साथ चॉकलेट बनाना चाहते हैं, तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपको मैं एक चॉकलेट काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है चॉकलेट, जैसे मार्केट में हमारी चॉकलेट होती है ना हल्की सी सॉफ्ट, वैसी है। यानी चीनी का यूज़ करने के बाद भी हमारी चॉकलेट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुई है। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा रही हूँ। तो आपको ये चॉकलेट रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी बाकी चॉकलेट रेसिपीज़ नहीं देखी हैं तो जल्दी से चैनल पे जाके वॉच कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।